ये पेड़ है किसका? अमरूद का। अमरूद का पेड़ है भाई, हमने ही खाना है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आज हरेले के दिन आने वाले हमारी पीढ़ी के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए सब लोग सर्वप्रथम अपने घर में एक पौधा रोपें। और आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को हरेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 87.3111 लास्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीके ब्लॉग्स पे। तो भाई बॉडी देख सकते हो बहुत बिगड़ चुकी थी सर, जो अपना ऑपरेशन हुआ था उस चक्कर सब कुछ खराब हो गया था अपना सिस्टम सारा, तो सारा सिस्टम हैंग चल रहा है इस टाइम पे अपना। और दिखाते हैं बेटा 87.3111 लास्ट। 87.1 वेट है भाई। अब हम लोगों से पूछेंगे कि हम आने वाले शनिवार तक, क्योंकि ब्लॉग हम शनिवार संडे को भी पोस्ट करेंगे, आने वाले शनिवार तक हम कितना वेट कम कर सकते हैं। तो पहले पूछते भाई, पीछे तुम्हारे पीछे घड़ी लगी है, बताओ 82 शायद। ये 82 शायद बोल रही है, आओ भैया। हाँ भैया, ये कहता है 85। ठीक है भाई, तू बता। ये कह रहा है 83। अबे तुमने बयान नहीं कर दिया था अपना, तुम पहले कितना बोल रहा था, तू कितना बोल रहा है, 81 बोल रहा है। आ जाओ भैया। देखो भाई, 100 ग्राम का होता है ये सब, हमको पार्टी देंगे अगर इन सबको मैं थोड़ा बीट कर देता हूँ, यही इनसे थोड़ा सा आगे निकल जाता हूँ। 82 वाला कौन था भाई? अपने काम से मेरे कम रहते हैं और कुछ नहीं होता था आपके साथ। ठीक है, हम पानी वानी चाय वाय सब पीते हैं और नमक सब खाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक हफ्ते में कितना कम होता है और मिलेंगे आपसे एक हफ्ते बाद। वर्कआउट करते हैं, बस परफॉर्मेंस में कुछ दिखाएंगे क्या किया क्या नहीं किया, बस वो आपने जानना है। ठीक है, कमेंट करो। हमारी गाड़ी पानी से भीग के बड़ी चमक रही है। ठीक है, ये व्हील कवर लगाए थे, दिखाई नहीं मैंने आपको, ये व्हील कवर लगाए हैं भाई। ठीक है, अभी अपग्रेड में ये किया काम, फिलहाल गाड़ी ये अन्न खड़ी हुई है और अपना चलते हैं। हरेले का त्यौहार है, हरेले का त्यौहार यहाँ पे होता है उत्तराखंड में, और कोशिश करते हैं कि आपको पूरा दिखा पाएं। तो भाई हरेला का त्यौहार क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। हरेला का त्यौहार जनरली उस दिन बारिश भी होती है और उस दिन पौधों का त्यौहार होता है। हमारे उत्तराखंड में पौधों को प्रमोट किया जाता है एक तरह से कह सकते हो, और कोई भी पौधा लगाएं उस दिन कहते हैं कि एक मतलब खासियत होती है कि उस दिन ऐसी बारिश होती है और ऐसा मौसम रहता है कि भाई कोई भी पौधा, मतलब कैसा भी पौधा आप लगाओ, कोई भी टहनी वहनी लगाओ, वो सब लग जाती है, मतलब ऐसा बोलते हैं कहानियों में। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता बट वो अलग बात है, लेकिन इस दिन लोग ज़्यादातर पौधारोपण करते हैं, हरियाली को फैलाते हैं, हरियाली को महत्व देते हुए हरियाली हरेला त्यौहार होता है। तो भाई हरेले का त्यौहार मनाते हैं। हम पहुँचे हैं हमारे क्षेत्र के विधायक जी के ऑफिस में, और विधायक जी के थ्रू अभी हम कुछ पौधे लेंगे और वो लगाएंगे। हमारे कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ पे, तो भुवन कापड़ी जी हैं हमारे, जो जिन्होंने पौधे अरेंज किए हैं, तो वो पौधे देंगे और उसके फिर हम चलते हैं पौधे लगाने के लिए। पौधे लगाएंगे, हरियाली का त्यौहार, हरेले का त्यौहार मनाना है तो भाई पौधे लगाने जरूरी है। ठीक है, तो चलो पौधे लेते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं कविता कापड़े, जो कि विधायक जी की वाइफ हैं, तो हरेले की शुभकामनाएं देना चाहती हैं। आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को हरेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी सभी से विनती है कि खूब वृक्षारोपण करें अपने घर के आसपास, अपने निजी आवासों में वृक्षारोपण करें, और सभी को हरेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हैं हमारे जो कार्यकर्ता, जो भी हैं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जितने भी हैं हमारे खटीमा क्षेत्र के, ये भी बधाई देना चाहते हैं सभी को हरेला की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। हैप्पी हरेला। आप भी बोलो हैप्पी हरेला। धन्यवाद।
हमारे साथ मौजूद है विधायक जी हमारे घटीमा के, और हरेले की शुभकामनाओं के साथ में आपको मैसेज देना चाहेंगे सर। आप सब लोगों को प्राकृतिक को बढ़ाने वाले पर्व उत्तराखंड के लोक पर्व हरेले की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आज हरेले के दिन आने वाले हमारी पीढ़ी के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए सब लोग सर्वप्रथम अपने घर में एक पौधा रोपें, और उसके अलावा जहां जहां आसपास पौधे लगा सकते हैं वहां पौधे लगाएं, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे और उत्तराखंड जो हमारा 70% भूभाग जिसका वन आरक्षित है, तो हम सब लोगों को इस उत्तराखंड को और इस देश को बचाने के लिए इस हरेले के पर्व को धूमधाम से मनाना चाहिए और पौधे रोपने चाहिए। धन्यवाद आप सबको, पुनः हरेले की बहुत। तो भाई देख सकते हो हमारे घर में हरियाली तो बहुत पहले से ही है, खूब सारी पौधे लगाए गए हैं। देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा पूरा भरा हुआ है हमारा गार्डन, पूरा का पूरा गार्डन क्या है हमारा ये, मतलब ऐसे मतलब सब लगा रखे हैं। ये सब चीज़ें ज़मीन पे लगाई जा सकती हैं इन फ्यूचर, जब हम अपना कंस्ट्रक्शन दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। ये देखो भाई पूरा 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 लगा हुआ। तो फिलहाल हमने, तू कहाँ चल रही है शिवान जी, बोलो जय श्री राम। राम राम, जय श्री राम। तो दो पौधे हमने भी रखे हैं अपने पास में। देखो बहुत सारी चीज़ें हमारे गार्डन में, देखो ये इतनी सारी चीज़ें हमारे गार्डन में। और ये दो पौधे मम्मी ने रख लिए हैं, आम का और एक अमरूद का, और इसको मम्मी लगाएगी। तो फिलहाल मम्मी गार्डन तो बहुत बड़ा है भाई, कोई बात नहीं, चलो हम अपना पौधारोपण करते हैं आगे और चलते हैं आगे। यह वृक्षारोपण हो रहा है और हमारे मिस्टर भंडारी पानी ले आए। देखो भाई दो चार पेड़ हमने लगा दिए हैं और बारिश आज हुई है अच्छी खासी, तो पौधे लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आज कहते हैं कि कलम लगाई हुई जो टहनियाँ होती हैं ना, कलम की हुई वो लग जाती हैं। तो इस बारे में जगत भंडारी की भी सोच सुनते हैं, क्या कहना चाहता है हमारा भंडारी भाई कि भाई कैसा होता है कैसा नहीं होता। मिस्टर जगत भंडारी बताओ जरा हरेला पर्व के बारे में क्या होता है आज। आज के दिन हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, हरेला हमारा त्यौहार हुआ, और पेड़ पौधे इसलिए लगाते हैं कि हमारे जो पर्यावरण है, उत्तराखंड एक बहुत अच्छा पर्यावरण के मामले में बहुत अच्छा नाम है इसका, तो हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही नाम रहे, हम पौधे लगाते रहें और ऑक्सीजन वगैरह हमें मिलती रहे। ऐसा भी तो बोलते हैं ना कि भाई आज टहनी भी लगाओ किसी हाँ, पौधे की आज कोई सा भी टहनी लगा दो आप, आपका वो पेड़ लगने लगना है, मतलब ये स्पेशलिटी है हमारे त्यौहार की आज की है ना। हरेला त्यौहार की जो स्पेशलिटी है ना वो ये है कि भाई टहनी भी लगाओगे किसी भी पौधे की आप, तो वो लग जाएगी और वो उग जाएगी। तो यही एक मेन थी कन्फर्मेशन करना था, कन्फर्मेशन हमको हो गया और चलते हैं भाई बाकी लगाएंगे आराम से, घर पहुँचते हैं, खाना वाना खाते हैं घर पे खाली हैं तो फिर आएंगे। तो भाई सुबह से शाम हो गई और थोड़ा हमने देखा था कि शाम का मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए फिर लगा लेंगे, उस टाइम बारिश भी हो रही थी और लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बट ये है कि हाँ लगाने सारे पौधे थे, कुछ हमने बांटे हैं काफ़ी लोगों को दिए हैं और कुछ हमारे देखो मिस्टर रोहित शर्मा लगा रहे हैं, ये हमारे क्षेत्र के छोटे विधायक हैं। अरे नहीं छोटे विधायक नहीं है, उपप्रधान गाँव के, उपप्रधान है वैसे तो, लेकिन हम छोटे विधायक ही बोलते हैं भाई। कार्य प्रणाली इनकी कुछ इस प्रकार की है, ये सब जगह पहुँच जाते हैं तो इसीलिए छोटे विधायक इनको बोला जाता है। हरियाला का पर्व है, त्यौहार है उत्तराखंड का। ये देखो कैमरा पकड़ते कमेंट्री वाला बंदा भी मिल जाता है मेरे को अपने आप। ओह माय गॉड, तो ये पेड़ है किसका, अमरूद का। अमरूद का पेड़ है भाई, हमने ही खाना है। एक पेड़ ये भी लगा रहा है देखो, और इसका नाम है लक्की। गुड मॉर्निंग भैया लोगों, शाम के 5 बज रहे हैं। कैमरामैन भी था हमारा ये। लाओ लाओ अंकल। हाँ यहाँ पे बीच में ना एक ही लगा रहे, बाकी दूसरे आगे को लगा दे। इसको पानी देने जब मुझे टाइम लगे जरूर आऊंगा, अभी तो देने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो कहते हैं टहनी बारिश है, टहनी लगाओ तो भी पेड़ हो जाता कहते हैं अभी तो।
तो इसी के साथ भाई आज का हरेले का त्यौहार हमारा कंप्लीट होता है। सबके घर में कुछ अच्छा अच्छा पकवान बना हुआ, हमारे घर में पकौड़े बने थे भाई, बाकी ऐसे आइटम बनते हैं पूरी खीर रायता वगैरह ऐसी चीज़ें बनती हैं, जैसे मम्मी हम लोग अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं वहाँ जाके खाते हैं। वो सब पार्ट नहीं दिखा पाया मैं क्योंकि वो सब जल्दीबाजी में था, मम्मी को सुबह छोड़ के आ गए थे अपनी मम्मी के यहाँ पे, तो वहाँ अपना त्यौहार उन्होंने मना लिया और जब मैं लेने गया तो मैं फटाफट से लेके आ गया। मैं नहीं गया था उसमें, तो मैं बस लेने और छोड़ने गया था, छोड़ने के लिए पापा गए थे, लेने मैं गया था। तो फिलहाल अपन वापस आ गए हैं जिम और व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म, क्योंकि इतना काफ़ी है आज के लिए। और इसी तरह से आप हरेले का त्यौहार मनाओ, एक त्यौहार उत्तराखंड में पेड़ों के नाम वृक्षों के नाम होता है। ये एक मैसेज था आप लोगों के लिए, हमें हरियाली के साथ में काम करना चाहिए, हमें पर्यावरण के लिए काम करना चाहिए। विधायक जी ने भी मैसेज दिया अपना, आप सब लोग भी अपना इस मैसेज को आगे पहुँचाएँ। और इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।